सबसे पहले मेरा पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को राम राम। आशा करती हूँ आप सकुशल होंगे घरों में। आज मैं आपसे रूबरू हुई हूँ क्योंकि कल से विरोधी पार्टियों ने एक फिर से साजिश शुरू कर दी है और ये प्रचार फैलाया जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल का और जेजेपी का गठबंधन या समझौता हो सकता है। आज एक तरफ जहां इस बात से यह साबित होता है कि आने वाली गवर्नमेंट इंडियन नेशनल लोकदल की है और जो अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा देके अपना संघर्ष जो जारी रखा और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिन रात एक करके, किसान नेताओं ने दिन रात एक करके जो सरकार को घुटनों पे लाने का काम किया, उसको देखते हुए आज जेजेपी में भगदड़ मची हुई है। आज हर कोई ये चाहता है कि इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े और इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ आए दिन निरंतर ऊपर जाता जा रहा है। इन सभी बाताओं से घबरा के और नेताओं ने ये कोशिश की है कि हमारी इस भगदड़ को रोक लें और जेजेपी में जो भगदड़ मची है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाए। मैं ये आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी भी ऐसे दल से समझौता नहीं करेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो और इंडियन नेशनल लोकदल की जो जन कल्याण की नीतियां आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी ने संघर्ष करके, अभय सिंह जी चौटाला ने जो बलिदान करके जो नीतियां इंडियन नेशनल लोकदल में डाली हैं, उन नीतियों के खिलाफ कोई भी पार्टी होगी उससे कतई समझौता नहीं किया जाएगा। आप सबसे ये अनुरोध है कि ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें।